तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इंडियन सिनेमा की 10 बड़ी पैन इंडिया सुपरस्टार की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आजकल KGF, पुष्पा, विक्रम और ट्रिपल आर जैसी बड़ी पैन इंडिया फिल्में रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर हो रही है और वहीं इन पैन इंडिया मूवी ने हमें कई सारे पैन इंडिया सुपरस्टार दिए हैं। तो चलिए ये पैन इंडिया सुपरस्टार अब कौन सी फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं जानते हैं। वैसे इस लिस्ट में यश, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR, प्रभास और काफ़ी बड़े बड़े एक्टर शामिल हैं। तो प्लीज़ एक भी सेकंड वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था दुनिया। नंबर 10 पे रामचरण। रामचरण भी ट्रिपल आर जैसी बड़ी फिल्म के बाद एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं और ट्रिपल आर जैसे धमाकेदार पैन इंडिया फिल्म के बाद इनकी कुछ और बड़ी फिल्में आने वाली है, चलिए जानते हैं। नंबर 1 पे RC-15। RC-15 जो कि रामचरण की आने वाली एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्शन डायरेक्टर एस शंकर देने वाले हैं जो कि एक कमाल के डायरेक्टर हैं। इस फिल्म में रामचरण डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ रामचरण के साथ कियारा एडवानी दिखाई देने वाली हैं। ये फिल्म 2023 में आने वाली है। नंबर 2 डायरेक्टर प्रशांत अनिल के साथ भी रामचरण की एक बड़ी फिल्म आने वाली है। जी हाँ, KGF के डायरेक्टर के साथ इनकी भी एक बड़ी फिल्म आने वाली है। ये फिल्म एक एक्शन पैक फिल्म होने वाली है जिसको प्रोड्यूस करने वाले हैं DVV दानिया। ये फिल्म साल 2024 नहीं तो 25 तक आने वाली है। नंबर 9 पे विजय। विजय का स्टारडम कितना कमाल का ये आप सबको बताएं और इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कितनी अच्छी कलेक्शन करती है ये भी आप सबको बताएं। दलपति विजय की आखिरी दो फिल्में बीस्ट और मास्टर पैन इंडिया स्केल पर रिलीज हो चुकी है और दोनों फिल्मों को ऑडियंस से डिसेंट रिस्पॉन्स मिला था। वैसे ये फिल्म हिंदी बेल्ट में अच्छे तरीके से नहीं रिलीज हुई थी लेकिन इनकी आने वाली फिल्में काफ़ी बड़ी स्केल पर आने वाली है, चलिए जानते हैं। नंबर 1 पे वारिसू। वारिसू विजय की आने वाली एक फैमिली एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में हम सभी को सुपरस्टार विजय के साथ रश्मिका मंदाना दिखाई देने वाली है। ये फिल्म 12 जनवरी को आने वाली है अगले साल। इस फिल्म को प्रोड्यूस करे दिलराजू। दिलराजू इस फिल्म को पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ। नंबर 2 पे दलपति 67। ये विजय की आने वाली सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिस फिल्म का सभी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ये फिल्म एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में विजय बम्बई के खतरनाक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं लोकेश कनगराज और ये फिल्म लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है जिस यूनिवर्स में अभी तक कैथी और विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में आ चुकी है। विजय की ये बड़ी पैन इंडिया फिल्म 2023 के अंत तक आने वाली है। नंबर 8 पे रणवीर कपूर। रणवीर कपूर हिंदी सिनेमा के काफ़ी टैलेंटेड एक्टर हैं जो कि ब्रह्मास्त्र फिल्म के बाद एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं। इस फिल्म के बाद उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में पैन इंडिया स्केल पर आने वाली है, चलिए जानते हैं। नंबर 1 पे एनिमल। एनिमल इंडियन सिनेमा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म है। ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन डायरेक्टर संदीप रेड्डी मांगा दे रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल नेगेटिव रोल में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 11 अगस्त को आने वाली है पैन इंडिया स्केल पर। नंबर 2 पे रामायण। रामायण इंडियन सिनेमा की आने वाली एक काफ़ी बड़ी फिल्म होने वाली है जो फिल्म 3 पार्ट में आने वाली है। इस बड़ी फिल्म में रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन और साई पल्लवी सीता माँ के रोल में दिखाई दे सकती हैं। इस बड़ी फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं नीतीश तिवारी जो कि दंगल जैसी कमाल की फिल्म बना चुके हैं। इस ट्रायलॉजी का पहला पार्ट 2024 तक आ सकते हैं। नंबर 3 पे ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा फिल्म के बाद सभी ब्रह्मास्त्र 2 फिल्म के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र 2 फिल्म में शिवा के पिता देव की कहानी देखने मिलेगी। इस फिल्म में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कुछ और बड़े एक्टर दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में देव के रोल में कौन दिखाई देने वाले हैं अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। ये फिल्म 2024 नहीं तो 25 तक आने वाली है। नंबर 7 पे कमल हसन। कमल हसन इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैं जिनकी विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर पैन इंडिया फिल्म के बाद 3 और बड़ी फिल्में आने वाली है और तीनों मूवी काफ़ी खास फिल्में होने वाली है, चलिए जानते हैं। नंबर 1 पे इंडियन 2। इंडियन 2 1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन फिल्म का सीक्वल होगी जिस फिल्म में कमल हसन फिर से सेनापति के रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म में कमल हसन के अलावा काजल अग्रवाल, गुलशन ग्रोवर, सिद्धार्थ, रकुलप्रीत सिंह, प्रिया भवानी शंकर जैसी एक्टर दिखाई देंगी। ये फिल्म अगले साल आने वाली है। नंबर 2 पे KH-234।
ये फिल्म कमल हसन की 234वीं फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर मनी रत्नम है। पूरे 35 साल बाद मनी रत्नम और कमल हसन कोई फिल्म करने जा रहे हैं एक साथ। इनकी लास्ट फिल्म नायकन थी जो कि काफ़ी तगड़ी फिल्म थी उस समय की। ये फिल्म साल 2024 में आने वाली है। नंबर 3 पे विक्रम 3। 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म विक्रम फिल्म के बाद सभी इस फिल्म के सीक्वल का वेट कर रहे हैं क्योंकि विक्रम 3 में धमाका होने वाला है। जैस फिल्म में विक्रम और रोलेक्स का फेस ऑफ देखने मिलेगा, मजा आने वाला है। इस फिल्म में कमल हसन, सूर्या, फाहद फासिल और कुछ और बड़े एक्टर दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 2024 नहीं तो 25 तक आने वाली है। नंबर 6 पर रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्में ऑल ओवर इंडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और इनकी काफ़ी सारी मूवी पैन इंडिया स्केल पर रिलीज हो चुकी है और इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कितना दमदार कलेक्शन करती है ये आप सबको बताएं। तो चलिए जानते हैं इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1 पे जेलर। जेलर सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिस फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन है। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी जिसको 2023 में रिलीज करने वाले हैं। नंबर 2 पे सुपरस्टार रजनीकांत की लाइका प्रोडक्शन के साथ दो बड़ी फिल्में आने वाली है। लाइका प्रोडक्शन ने 2.0 जैसी बड़ी फिल्म को प्रोड्यूस की थी और ये दोनों फिल्में पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। ये फिल्मों की अनाउंसमेंट सिर्फ हुई है, ज़्यादा डिटेल अभी तक सामने नहीं आया है इसलिए इस फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 5 है चियान विक्रम। चियान विक्रम हमेशा से ही एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्मों में हमें शानदार एक्टिंग देखने को मिलती आई है। ये एक ऐसे एक्टर हैं जो कि अपने किरदार को प्ले करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहते हैं। विक्रम भी इंडिया के एक बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार हैं जिनकी हर फिल्में ऑडियंस को बेहद पसंद आती है और इनकी आई और PS1 जैसी बड़ी फिल्में पैन इंडिया स्केल पर रिलीज हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं चियान विक्रम की कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1 पे पोनियन सेल्वन 2। ये फिल्म 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पोनियन सेल्वन का दूसरा पार्ट होने वाला है। पोनियन सेल्वन 2 फिल्म एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होगी जिस फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म 28 अप्रैल 2023 के मौके पर आने वाली है। नंबर 2 पे दंगलन। ये फिल्म भी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जो फिल्म भी एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर होने वाली है। इस पीरियड ड्रामा फिल्म को डायरेक्शन पार रंजी दे रहे हैं। इस पीरियड ड्रामा फिल्म में हम सभी को चियान विक्रम के साथ पार्वती और मालविका मोना दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म में चियान विक्रम बहुत ही कमाल के लुक में दिखाई देने वाले हैं जिनका लुक आप सभी लोग देख सकते हो। ये फिल्म भी अगले साल आने वाली है। नंबर 4 पे जूनियर NTR। ट्रिपल आर जैसी बड़ी पैन इंडिया फिल्म के बाद जूनियर NTR भी एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं और इनकी अब सारी फिल्में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है और कुछ फिल्मों की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1 पे NTR 30। NTR 30 एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन डायरेक्टर कोराटल्ला सिवा देने वाले हैं जो कि NTR के साथ पहले से ही जनता गैरेज जैसी मैसिव हिट फिल्म कर चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इस फिल्म को काफ़ी बड़ी स्केल पर बनाने वाले हैं और फिल्म का बजट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ये फिल्म 2023 में आने वाली है। नंबर 2 पे NTR 31। NTR 31 भी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। जो फिल्म एक एक्शन पैक फिल्म होगी जिसको डायरेक्शन KGF के डायरेक्टर प्रशांत निल देने वाले हैं। ये प्रशांत निल का काफ़ी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने ड्रीम हीरो के साथ। ये फिल्म 2024 तक आने वाली है और इस फिल्म की शूटिंग 2023 के अप्रैल महीने से स्टार्ट हो जाने वाली है। नंबर 3 पे यस। KGF 1 और KGF 2 के बाद रॉकिंग स्टार यस यानी कि हमारे रॉकी भाई भी एक काफ़ी बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं और इनकी अब सारी फिल्में पैन इंडिया स्केल पर आने वाली है। तो चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1 पे यस 90। यस 90 के आने वाली मच अवेटेड फिल्म है। जो फिल्म एक बड़ी एक्शन पैक फिल्म होने वाली है जिसको नर्थन डायरेक्शन देने वाले हैं जो कि मुफ्ती जैसी सुपर हिट फिल्म को डायरेक्शन दे चुके हैं। ये बड़ी फिल्म 2023 नहीं तो 24 तक रिलीज होगी। नंबर 2 पे KGF 3। KGF 3 पैन इंडिया सुपरस्टार यस के आने वाली काफ़ी बड़ी फिल्म होने वाली है और ये KGF सीरीज की थर्ड फिल्म होने वाली है जिस फिल्म का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में यस एज अ लीड दिखाई देंगे। ये फिल्म 2024 नहीं तो 25 तक आने वाली है। सर अकेला आके घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर। नंबर 2 पे हैं अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन भी इंडिया के काफ़ी बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं। इनकी फिल्म पुष्पा द राइस फिल्म के बाद जो फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी ये फिल्म ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत ही अच्छी कलेक्शन की थी। वैसे अब इनकी हर फिल्में पैन इंडिया स्केल पर रिलीज होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1 पे पुष्पा 2।
पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया मूवी पुष्पा फिल्म का सीक्वल होने वाली है। पुष्पा 2 फिल्म को काफ़ी बड़े लेवल पर बनाया जाएगा और इस फिल्म का बजट भी 400 करोड़ से ज़्यादा होने वाला है। जी हाँ, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन सुकुमार देने वाले हैं और ये फिल्म 2023 के एंडिंग तक आने वाली है। नंबर 2 पे आइकन। आइकन अल्लू अर्जुन की आने वाली एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म के लीड रोल में अल्लू अर्जुन के साथ पूजा हेगड़े और कीर्ति सेट्टी दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी पहले की जा चुकी है। इस पैन इंडिया फिल्म को डायरेक्ट वेन्यू श्रीराम करने वाले हैं और ये फिल्म 2024 तक आने वाली है। नंबर 3 पे है अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ भी एक बड़ी फिल्म आने वाली है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसको गीता आर्ट्स प्रोड्यूस करने वाली है। ये फिल्म अभी डिस्कशन स्टेज पर है, इसीलिए इस फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये कोलेब्रेशन होता है तो बॉक्स ऑफिस पर आग लग जाने वाला है। जी हाँ, वो वन प्लेस पे प्रभास। प्रभास इंडिया के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार है, जिनकी अभी तक टोटल 4 फिल्में पैन इंडिया स्केल पर रिलीज हो चुकी है और अब प्रभास को सब पैन इंडिया ही देखना चाहते हैं। इनकी पिछली 2 पैन इंडिया फिल्म को लोगों से इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं मिला है, लेकिन इनकी आने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी तगड़ी कलेक्शन कर सकती है। तो चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी फिल्में आ रही है। नंबर 1 पे आदि पुरुष। ये फिल्म प्रभास के आने वाली एक बड़ी फिल्म होने वाली है, जो कि एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म का टीजर भी आउट हो चुका है। इस फिल्म में प्रभास के साथ कृति सेनन, सैफ अली खान और सनी सिंह जैसे एक्टर दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म अब 16 जून को आने वाली है। नंबर 2 पे सलार। सलार पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के आने वाली मच अवेटेड फिल्म है, जो कि एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिस फिल्म में प्रभास एक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म में प्रभास के साथ श्रुति हसन दिखाई देने वाली हैं और फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू विलन के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 28 सितंबर को आने वाली है 2023 के मौके पर। नंबर 3 पे प्रोजेक्ट के एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म होगी, जिसको 550 करोड़ के हाई बजट के साथ बनाया जा रहा है और ये प्रभास की एक पैन वर्ल्ड फिल्म होने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म पैन वर्ल्ड रिलीज होने वाली है। इस बड़ी फिल्म में हम सभी को प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन जी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अश्विनी दत्त ये तक कह चुके हैं ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स जैसी होगी। जी हाँ, ये फिल्म 2024 में आने वाली है। नंबर 4 पे स्पिरिट। ये फिल्म प्रभास के आने वाली एक काफ़ी बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसको कबीर सिंह फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्शन देंगे। इस फिल्म में प्रभास पहली बार एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगे। ये फिल्म टोटल 8 भाषाओं में आने वाली है। जी हाँ, ये फिल्म टोटल 8 भाषाओं में रिलीज होगी। ये फिल्म भी 2024 तक आने वाली है। तो ये थी इंडियन सिनेमा की 10 बड़ी पैन इंडिया सुपरस्टार की आने वाली फिल्में। तो आप सभी लोग किस एक्टर की फिल्मों के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। वैसे इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, मैंने बहुत सारे एक्टर को ऐड नहीं किया है, उसके लिए बहुत सॉरी। प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करो, तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। शुक्रिया।